वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि जो व्यक्ति ऐसी बयानबाजी कर रहा है पहले उससे पूछा जाए क्या उनके माता और पिता पूर्वज सनातन नहीं थे। उदय निधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दी विवादित टिप्पणी के बाद प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने तर्क लहजे में कहा है कि जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और कोरोना कहता है वह खुद ही डेंगू मलेरिया और कोरोना की औलाद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म कोरोना डेंगू और मलेरिया जैसा है, इसे ऐसे ही खत्म कर देना चाहिए जिस तरीके से इन बीमारियों को खत्म कर दिया गया है। इसी के बाद पूरे देश में सनातन धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा में 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के आमंत्रण पर श्री शिव महापुराण करने पहुंचे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ हैं। इसी दौरान छिंदवाड़ा में मीडिया के सवाल पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने उदय निधि स्टालिन के बयान के बाद उन पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने राजनीति और धर्म को जोड़ने के सवाल पर कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है। राजनीति धर्म का स्थान नहीं ले सकती और धर्म राजनीति का स्थान नहीं ले सकता। प्राचीन काल से ही धर्म और राजनीति एक साथ चलते रहे हैं। मिशन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।